स्टूडेंट टुडे वी लर्न पेज नंबर गंगू स्वीट ऑन पेज नंबर 126 इन टेक्स्ट बुक। सो आगे के वर्ड प्रॉब्लम हमने समझ लिया था। अब है गंगू स्वीट। गंगू इज मेकिंग स्वीट फॉर ईद। ही हैज़ मेड ट्रे ऑफ 80 लड्डू। आप देख रहे हो 18 लड्डू की ट्रे है। उसने ईद के लिए कितने लड्डू बनाए? 80। प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स। 1 बॉक्स में आपको कितने लड्डू पैक करने हैं? 4। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। उसे कितने बॉक्स चाहिए? 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ लड्डू इन 1 बॉक्स, 1 बॉक्स के अंदर कितने लड्डू है? 4। तो उसको ऐसे कितने बॉक्स चाहिए? 23। तो 23 के अंदर 4 लड्डू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करो। 23 फोर जा 3, 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 92। टोटल इतने बॉक्स में 92 लड्डू, इतने 23 बॉक्स भरेंगे और एक लड्डू में 4, तो 92। और जो गंगू है उसने कितने लड्डू की ट्रे बनाई थी? 80 लड्डू। ओके, तो उसको तो 92 चाहिए। तो अब कितने लड्डू कम पड़ेंगे? तो 80 लड्डू ऑफ ट्रे आर नॉट इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, क्योंकि 92 ज़्यादा है, 80 है वो कम है। तो उसको 92 लड्डू चाहिए और उसने बनाए हैं 80 लड्डू। तो जो बॉक्स उसको 23 बॉक्स बनाने हैं, इसके लिए लड्डू कम पड़ेंगे। ओके, तो हाउ मेनी मोर स्वीट आर नीडेड? कितने चाहिए? तो 92 माइनस 80 करो 2, 9 में से 8 करो 1, तो और 12 लड्डू उसको चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ गंगू ऑल्सो हैज अ बिगर बॉक्स इन विच हैज़ पैक 12 लड्डू। तो हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डू? तो गंगू नीड 5 बॉक्स। कितने चाहिए ऐसे बॉक्स? 5 बॉक्स। कैसे? तो नंबर ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड 12 लड्डू एक बॉक्स में। तो ऐसे कितने लड्डू है? 12 लड्डू एक बॉक्स के अंदर। तो ऐसे 12 लड्डू के लिए 1 बॉक्स चाहिए। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, टोटल 60 लड्डू है। कितने लड्डू दिए हैं आपको? 60। तो अगर टोटल दिया हो, ओके, टोटल दिया है और ईच फाइन करना हो, तो 60 दिए है और एक बॉक्स में 12 लड्डू, तो क्या आएगा? डिवीजन, 60 डिवाइड 12। तो कैसे करोगे? 60 डिवाइड 12, तो आप यहाँ पहले करोगे, यहाँ लिखोगे 60, इधर लिखोगे 12। तो 12 का टेबल बोलो, इसके अंदर 60 आता है। तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60। ओके, तो उसको कितनी चाहिए? सो नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर टू पैक 60 लड्डू इज इक्वल टू 60 डिवाइड 12 इज इक्वल टू 5। कितने बॉक्स चाहिए? 5 बॉक्स। अब है प्रैक्टिस टाइम। नीलू बोर्ड 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास। टुडे 45 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक? तो टोटल चिल्ड्रन, टोटल दिया है 45। नंबर ऑफ स्टोरी बुक कितनी है? 50। तो यहाँ क्या मांगा है? टोटल दिया है और हर एक के लिए कितने चाहिए ऐसा दिया हो, तो 45 डिवाइड 50। तो कैसे करोगे? 50 डिवाइड 45। ओके, तो 50 का टेबल बोलो, 50 टू ज़ा 30, 50 थ्री ज़ा 45। तो यहाँ क्या आएगा? ऊपर लिखना है 3, नीचे लिखोगे 45। इन दोनों का माइनस करना होता है। 5 में से 5 माइनस करो 0, 4 में से 4 माइनस करो 0। नेक्स्ट है, फैमिली हैज़ 8 पीपल एंड 60 केजी वेट फॉर अ मंथ। उसको 8 पीपल है और 60 केजी वेट, यानी कि गेहूँ पूरे मंथ के लिए चाहिए। दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। ओके, एक वीक में उसे 60 केजी चाहिए। तो 60 डिवाइड 8, तो 8 अगर पहला नंबर है वो यहाँ चल, तो 8 का टेबल बोलो, इसके अंदर 60 आता है। तो 8 ज़ा 64। तो पहले क्या करोगे? यहाँ देर आर 30 डेज इन अ मंथ। ओके, तो टोटल 40 केजी वीक वेट फॉर अ वीक। सो देर आर 30 डेज इन अ मंथ, तो 7 डेज इन अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 8 पीपल और 60 केजी,
तो वन डे नीड ऑफ वेट फॉर 860 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2 kg। ओके, पहले वन डे का फाइंड कर लो। तो वन डे नीड फॉर वेट फॉर 8 पीपल, तो 60 डिवाइड 3, ओके 60 डिवाइड 30, तो कितने चाहिए? 2 kg। पहले वन डे का फाइंड करोगे तभी आपको 7 डेज का फाइंड करने को मिलेगा ना। तो देयर फोर 7 डेज इज इक्वल टू 2 × 7 यानी कि 40 kg चाहिए। नेक्स्ट है, राजिया वॉन्ट्स टू चेंज ₹500, तो हाउ मेनी नोट्स विल सी गेट इफ ही वॉन्ट्स इट रिटर्न। तो 100 रुपीज नोट है, उसको 5 notes of 100, ओके तो 5 notes of 100 rupees का 500 rupees है, उसको 100 में कन्वर्ट करना है, डिवाइड 100। तो 100 फाइजा क्या करोगे, 100 divide 500, तो 100 फाइजा 500। ओके, नेक्स्ट है, ऑल 50 rupees नोट, 20 rupees नोट है, तो 20 rupees है, तो क्या कैसे करोगे, जितने दिए है 500 500, इधर लिखो 500 divide 20, तो क्या करोगे, 20 divide 500 करो, 20 ones are 20, 5 में से 2 गया 3, ओके 300, तो 25 ज़ा 300, तो क्या आया 25। तो यहाँ 100 है, वहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 10, 20 rupees है, यहाँ आया 25 एंड इधर आया 100। ओके, नेक्स्ट है, यू हैव डिस्ट्रीब्यूट 72 tomatoes एंड 3 baskets, टोटल दिया है, तो 3 divide 72, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 7 में से 6 गया 1 एंड 3 fours are 12, तो 24, इधर क्या आएगा 24। नेक्स्ट है, 350 bricks दी है, टोटल दिया है और 2 kg, तो वेट ऑफ 1 brick का वेट है 2 kg, तो ऐसे 350 का कितना, ओके तो 350 divide 2, 35 twos are 70 और 1 0 लगाया, तो 700 kg। नेक्स्ट है, यहाँ चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, ओके तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ डिवीजन है चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, तो रशि, सीमा, मृदुल, रोहित, लोकेश, ये ग्रैंडफादर है उसके, वो फेयर में गए हैं। तो यहाँ कैसे आपको डिवीजन सीखना है, देखो 70 divide 5 यहाँ दिया है, 5 divide, तो 5 ones are 5, 7 में से 5 minus करो 2, ऊपर से लिया 0, 5 4 ज़ा 20, तो क्या आया 45 ज़ा। ये नीचे जो पूरी रीत बताई है ऐसे आप ना करो तो चलता है, डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ जो ऊपर ये मेथड दी है आपको, ये आपको ट्राइंग करना है, 5 divide 65, तो 5 ones are 5, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से लिया 5, 5 3 ज़ा 50, तो कितना आया 30। ओके, ऐसे ही 84 divide 2, तो 2 divide 84, तो 2 4 ज़ा 8, 0, ऊपर से लिया 2 2 ज़ा 4, क्या आया 0। ऐसे ही 3 divide 69, तो 3 2 ज़ा 6, 0, ऊपर से लिया 9, 3 3 ज़ा 9, 0। ओके, नेक्स्ट है 6 divide 90, तो 6 का टेबल बोलो, 6 1 ज़ा 6, 9 में से 6 गया 3, और 6 5 ज़ा 30, तो टोटल कितना आया 50। तो ऐसे ये जो ई एफ जी एच है वो आपको ट्राई करनी है। ओके, 4 divide 72 है, तो देखो ऐसे करोगे आप, 4 का टेबल बोलो, 4 2 ज़ा 8 बड़ा हो जाता है, तो 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से लिया 2, तो 4 8 ज़ा 32, 0 0। ओके, ऐसे आपको जो पीछे जी एच है वो अपनी तरफ से ट्राई करनी है। ऐसे ही इधर मीरा है, यहाँ सब में डिवीजन ही है, 204 candles है और 6 packets, तो 6 divide 204, कैसे करोगे, 6 divide 204, तो 6 का टेबल बोलो, 6 5 ज़ा 30 बड़े हो जाएगा, तो 6 4 ज़ा 24 वो भी बड़े हो जाएगा, तो 6 3 ज़ा 80, 10 में से 8 गया 2,
टू, टू के ऊपर वन, वन में से वन गया जीरो, ऊपर से लिया फोर, सिक्स फोर जा 24। ओके नेक्स्ट है ऑन स्पोर्ट्स 161 एंड सेवन इक्विल रो, तो हाँ इच रो टोटल दिया है, तो सेवन डिवाइड 161, तो सेवन टू जा 14, सिक्स में से फोर गया टू, वन में से वन गया जीरो, ऊपर से लिया वन, सेवन थ्री जा 21, जीरो जीरो। ओके ऐसे ही यहाँ आपको क्वेश्चन बनाना है कि एट पैकेट्स ऑफ राखी, ईच पैकेट हैज ईच पैकेट हैज सिक्स राखी इन ईट, तो आपको क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे क्वेश्चन बनाओगे, आपको पहले अपनी तरफ से ट्राई, तो हाउ मेनी राखीज आर देयर इन ऑल पैकेट, पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे, हाउ मेनी राखीज आर देयर इन ऑल पैकेट। दूसरा है शुगर के पैकेट है 10 पैकेट से एन एन 110 रुपीज हुए, तो हाउ मेनी रुपीज सौरभ पेड फॉर वन पैकेट, ये क्वेश्चन बनाओगे राइट। थर्ड क्वेश्चन बनाओगे कि 35 स्टूडेंट है, सेवन रो के अंदर है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ईच रो। ओके और उसके बाद है हरी सीमा चीकू एंड लक्ष्मी गोइंग टू गुवाहाटी, तो कोस्ट वन रेल टिकट इज 62, तो आप क्या क्वेश्चन बनाओगे कि हाउ मेनी रुपीज विल दे पे फॉर ऑल द टिकेट्स। ओके एंड नेक्स्ट है वन मीटर ऑफ क्लॉथ रुपीज 20, तो श्यामू बोट सम क्लॉथ एंड पेड रुपीज 140, तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ श्यामा डीड बाय। ओके तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके थैंक यू।